नमस्कार दोस्तों, नाइसिन चैनल को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इरोक्स से भी 400 mg 57 mg ड्राई सिरप के बारे में। देखिए इसे माइक्रोलैब्स कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पेंसिलिन एंटीबायोटिक रूप में इसे जाना जाता है। इरोक्स से भी 400 mg 57 mg ड्राई सिरप जीवाणु संक्रमण का इलाज करता है। ये बैक्टीरिया में कोशिकाओं की दीवारों के संश्लेषण के साथ हस्तक्षेप करता है और इसे बढ़ने से रोकता है। इसका उपयोग फेफड़ों और वायुमार्गों, त्वचा, मध्य कान, साइनस और मूत्रपथ के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ये टॉन्सिलिट्स, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और गोनोरिया जैसे स्थितियों को भी इलाज करता है। ये दवा जब एक एंटीबायोटिक क्लोथ्रोमाइसिन के साथ प्रयोग की जाती है तो ये पेट के अल्सर का इलाज करती है। यदि आपको किसी पेंसिलिन आधारित एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इरोक्स से भी 400 mg 57 mg ड्राई सिरप जन्म नियंत्रण की गोलियों को कम प्रभावी बना सकती है, इसलिए उपचार के दौरान गर्भावस्था को रोकने के लिए नॉन हार्मोनल जन्म नियंत्रण का उपयोग करने के बारे में अपने डॉक्टर से पूछे। अब तो डॉक्टर को बताइए यदि आप स्तनपान करा रहे हैं तो। देखिए आपको यदि कुछ इस तरह के डिजीज है जो कि इसको नहीं लेना चाहिए तो मैं आपको नीचे कुछ डिजीज बता रहा हूँ, जैसे कि आस्थमा, लीवर या किडनी की बीमारी, एंटीबायोटिक लेने के कारण दस्त का हिस्ट्री रहा हो तो, किसी भी खाद्य या दवा का एलर्जी है तो, कई दवाई लेने से एलर्जी हुआ है तो, आप इस तरह स्थिति को आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा ताकि आप डॉक्टर कोई दूसरा दवा दे सके। देखिए इरोक्स से भी 400 mg 57 mg ड्राई सिरप को अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार ले। वो तरल रूप में उपलब्ध है, चबाने योग्य गोलियों और विस्तारित रिलीज गोलियों के रूप में भी अवेलेबल है। इस दवा के कुछ रूप को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, खुराक डॉक्टर के अनुसार ही लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसे किस किस केसेस में इसे यूज किया जाता है। देखिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, कान का इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, गले की इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के लिए लिया जाता है, मूत्रपथ के इन्फेक्शन में लिया जाता है, गनेरिया और उसके संबंधित संक्रमण के लिए लिया जाता है, टाइफाइड बुखार के लिए भी लिया जाता है, पेट के अल्सर, डेंटल दंत के रोग के लिए इसे लिया जाता है। तो अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। देखिए जैसे कि नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है, दस्त, बुखार, जोड़ों में दर्द, त्वचा की पीला पड़ना, आसन चोट और ब्लीडिंग जैसा होना, तो मासिक धर्मों में कुछ बदलाव होना, इस तरह की कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिखा सकता है। यदि वो अधिक दिखा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से उसके रिगार्डिंग बात कीजिए। तो दोस्तों ये था इरोक्स 400 mg 57 mg के सिरप, ड्राई सिरप के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस टाइप को नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।